हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल में। मैं पूनम सिंह, आज आपके लिए एक बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव है वहां की एक वीडियो लेके आई हूं, और वो किस तरीके से स्मोकी रायता बनाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये टेस्ट में, तो सोचा एक बार आपसे मैं शेयर करूं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अंत तक आप वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहें और ज़रूर देखें। सबसे पहले इन्होंने दो बड़ी बड़ी लौकी ली हैं, एकदम फ्रेश है, और इनके यहीं पर उगी हुई थी। इन्होंने तोड़कर इसको अच्छे से पीलर से पील ऑफ कर लिया, और आप इसको ग्रेट करेंगे। और ये दही ली है इन्होंने, हाफ के जी फ्रेश दही है, वो भी बकरी के दूध की। बस इसको अच्छे से फेंट लिया जाएगा। वाओ, और फेंटने के बाद में इस लौकी को ग्रेट देख लीजिए आप किस तरीके से ये लोग करते हैं, कितना मेहनत करते हैं विलेजेस में, और कैसे बनाते हैं। कम रिसोर्सेज में बहुत अच्छा खाना ये लोग खाते हैं, बनाते हैं। और इसको करना अब ये स्टार्ट करेंगे बॉयल। जैसे ही ये ग्रेट हो जाएगी इसको करेंगे बॉयल, और ये बॉयल करके लौकी रेडी है। और इसको रायते के जो हम बनाने वाले हैं उसके अंदर हम डाल देंगे। उसमें हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, हाफ ग्लास, और इसके अंदर बॉयल की हुई हमने लौकी डाल दी, और ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा जीरा भुना हुआ, एक चम्मच जीरा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये स्मोकी बनाएंगे इस रायते को। सबसे पहले कि उपले की आग की एक कंडी लेंगे, और उसके ऊपर उसको एक कटोरी या फिर किसी भी चीज़ पर आप रख सकते हैं, गरम है ये, इसको ध्यान से करें। और इसमें डालेंगे पतंजलि का हींग, एक चुटकी हींग। और सबसे पहले इन्होंने डाला ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल है, 5 से 6 बूंदें इन्होंने डाल दी, आप मान के चले हाफ चम्मच। थोड़ा सा डाला है 2 चुटकी आटा, और इस पे डाल दिया हींग 1 चुटकी। ऑयल के ऊपर ही डाला है सारी चीज़ें, और बस इसका ये जो धुआं है निकलना शुरू हो गया है। ये इन्होंने डाला है चोकर, आटे का ही है, आटा ही मान के चले आप। और इसको बस ढक देंगे एक बर्तन से, जिससे जितना भी फ्यूम्स है वो सारा का सारा इसके अंदर इकट्ठा हो जाए। ये देखिए अम्मा जी कितना अच्छे से ये रायता बनाती हैं। एक बार इनके हाथ का बनाया हुआ रायता आप घर पर ज़रूर बना के देखें, आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये देखिए किस तरीके से इस बर्तन को लेंगे जिसमें फ्यूम्स इकट्ठे हुए हैं, और इसको कवर करके, एक यही ट्रिक है, ये देखिए बंद कर दिया जल्दी से, और इसके अंदर डाल दिया दही और साथ में मिला हुआ लौकी, और बस इसको हिला लेंगे, और जो स्मोकी फ्लेवर है वो उसी के अंदर आ जाएगा। जो बाकी बचा हुआ फ्यूम्स है आप दूसरे बर्तन में कलर कर सकते हो। जैसे इन्होंने एक जग ली है उसमें इकट्ठा किया है, और ऊपर से डाल दिया थोड़ी सी लाल मिर्च, आधा चम्मच इन्होंने डाली काली मिर्च, और नमक स्वाद अनुसार, रायता बनकर तैयार। उसका जो स्मोकी फ्लेवर है आम शोर बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत गजब टेस्ट आता है। अब बना के देखिए, एंजॉय कीजिए इस तरीके की रेसिपीज को। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।